अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी का कुछ वर्ड जिससे हम अरबी को जोड़कर अरबी बोलना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबी वर्ड है तुम्हारे घर पे काम ज़्यादा है, उसको अरबी में बोलेंगे इन तबेत फी शुगुल ज़्यादा। इन तबेत फी शुगुल ज़्यादा, तुम्हारे घर पे काम ज़्यादा है। इन तबेत का मतलब होता है तुम्हारे घर पे। सुगुल ज़्यादा, फी सुगुल का मतलब होता है काम, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, फी का मतलब होता है तुम्हारे घर पे काम ज़्यादा है। इन तबेत सुगुल ज़्यादा फी। गाड़ी में टिश्यू पेपर है, उसे अरबी में बोलते हैं मैंदीन मौजूद सियारा। मैंदीन का मतलब होता है टिश्यू पेपर, मौजूद का मतलब होता है मौजूद मतलब है, और सियारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी में टिश्यू पेपर है मैंदीन मौजूद सियारा। आज पेट्रोल भरना है, उसे अरबी में बोलते हैं अलियोम अलियोम एबी बेंजीन। अलियोम एबी बेंजीन, आज पेट्रोल भरना है, उसे अरबी में बोलते हैं अलियोम एबी बेंजीन। आज पेट्रोल भरना है, अलियोम का मतलब होता है आज, एबी का मतलब होता है भरना, और बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। आज पेट्रोल भरना है अलियोम एबी बेंजीन। तुम झूठ बोलते हो, उसे अरबी में बोलते हैं इंत कज्जाब कलाम। इंत कज्जाब कलाम, इंत का मतलब होता है तुम, झूठ का मतलब होता है कज्जाब, और कलाम का मतलब होता है बोलना। इंत कज्जाब कलाम, तुम झूठ बोलते हो। सऊदी अच्छा नहीं है, उसे अरबी में बोलते हैं सऊदी माफी कोइस। सऊदी माफी कोइस, सऊदी अच्छा नहीं है। सऊदी का मतलब होता है सऊदी, अच्छा का मतलब होता है कोइस, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। सऊदी माफ़ी कोई, सऊदी अच्छा नहीं है। अगर आप किसी को बोल रहे हो सर अंदर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे मुदीर ताल दाखिल। मुदीर ताल दाखिल, दाखिल का मतलब होता है अंदर आना। मुदीर ताल दाखिल, मुदीर ताल दाखिल, ताल का मतलब होता है आना, और मुदीर का मतलब होता है सर, दाखिल का मतलब होता है अंदर। मुदीर ताल दाखिल, सर अंदर आओ। मैं चाय पीने जा रहा हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा अना रोह बुफिया चाय शराब। अना रोह बुफिया चाय शराब, अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जाना, और चाय का मतलब होता है चाय, शराब का मतलब होता है पीना। अना रोह बुफिया चाय शराब, अना रोह बुफिया चाय शराब, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। आज मेरा तबीयत ख़राब है, उसे अरबी में बोलते हैं अलियोम अना ताबान। अलियोम अना ताबान, अलियोम का मतलब होता है आज, अना का मतलब होता है मेरा, ताबान का मतलब होता है तबीयत ख़राब। आज मेरा तबीयत ख़राब है, अलियोम अना ताबान। मैंने खाना नहीं बनाया, उसे आप अरबी में बोलिएगा अना माफ़ी सव्वी अखिल। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, सव्वी का मतलब होता है करना या बनाना, अखिल का मतलब होता है खाना। मैं खाना नहीं बनाया हूँ, अन माफ़ी सव्वी अखिल। मैडम तेज आवाज़ में बोलती है, उसे आप अरबी में बोलेंगे मैडम साउथ कलाम ज़्यादा। मैडम साउथ कलाम ज़्यादा, मैडम को अरबी में मैडम ही बोलते हैं, साउथ के अरबी में आवाज़ बोलते हैं, कलाम का मतलब होता है बोलना, और ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा बोलते हैं। मैडम साउथ कलाम ज़्यादा, मैडम बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती है। इंडिया पैसा भेजना है, उसे आप अरबी में बोलिएगा वद दी फ्लूस हिंद। वद दी फ्लूस हिंद, आप जहाँ जो भी कंट्री से हो, बस लास्ट में आप अपना कंट्री का नाम ले लेना, जैसे आप पाकिस्तान से हो वद दी फ्लूस पाकिस्तान, वद दी फ्लूस पाकिस्तान, उस तरह आप हर कंट्री का नाम लेकर अपना बता सकते हो कि मुझे अपने देश में पैसा भेजना है। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मैं उनसे बोलूँगा कि मुझे इंडिया पैसा भेजना है, तो उसे अरबी में बोलेंगे वद दी फ्लूस हिंद। वद दी फ्लूस हिंद, मैं दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह सद्दीक गुरफा। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जाना, सद्दीक का मतलब होता है दोस्त, गुरफा का मतलब होता है रूम। मैं अपने दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ, उसे आप अरबी में बोलेंगे अना रोह सद्दीक गुरफा। बाबा मैं गाड़ी ले जाऊँ, उसे आप अरबी में बोलेगा बाबा अना सिल सैारा। बाबा अना सिल सैारा, बाबा मैं गाड़ी ले जाऊं। देन दोस्तों, अगर आपका कपिल मना किया है कि कोई भी आदमी को अपने रूम पे नहीं बुलाना, तो उसे आप अरबी में कैसे बोलेंगे? जैसे कोई भी आदमी रूम पर ना आए, या कोई भी आदमी रूम पर मत आओ, उसे आप अरबी में बोलिएगा आई साई नफर मा ईजी।
आईसीआई का मतलब होता है कोई भी, नफर का मतलब होता है आदमी, मा इजी का मतलब होता है नहीं आना, और गुरफा का मतलब होता है रूम पे। आईसीआई, मा इजी, नफर, गुरफा, कोई भी इंसान मेरे रूम पे ना आए। नौकरानी को अरबी मालूम है, उसे आप अरबी में बोलिएगा, खद्दामा मालूम अरबी कलाम, खद्दामा मालूम अरबी कलाम, नौकरानी को अरबी मालूम है। देन दोस्तों, अगर आपका कपिल गुस्से में बोलता है सवाग मुख माफ़ी, सवाग मुख माफ़ी, सवाग का मतलब होता है ड्राइवर और मुख का मतलब होता है दिमाग, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। सवाग मुख माफ़ी, ड्राइवर का दिमाग नहीं है। टीचर बहुत अच्छी है, उसे आप अरबी में बोलिएगा मदर्रिस मर्रकोइश, टीचर बहुत अच्छी है, टीचर को अरबी में मदर्रिस बोलते हैं, मर्रकोइश का मतलब होता है बहुत अच्छी, टीचर बहुत अच्छी है, उसे आप अरबी में बोलिएगा मदर्रिस मर्रकोइश। मेरा कपिल बहुत ही कंजूस है, उसे आप अरबी में बोलिएगा अना सऊदी, या अना कपिल भी बोल सकते हैं, अना सऊदी मर्रा बखील, बखील बोलते हैं कंजूस को, बखील बोलते हैं कंजूस को, अना सऊदी मर्रा बखील, मेरा सऊदी बहुत ही कंजूस है। आज फ्लाइट लेट है, उसे आप अरबी में बोलिएगा अलियोम तैयारा ताखीर, अलियोम का मतलब होता है आज, तैयारा का मतलब होता है फ्लाइट, ताखीर का मतलब होता है लेट, अलियोम तैयारा ताखीर, आज फ्लाइट बहुत लेट है। कल ऑफिस 9 बजे जाना है, उसे आप अरबी में बोलिएगा बुकरा रो मकतब सा तिसा, बुकरा रो मकतब सा तिसा, बुकरा का मतलब होता है कल, रोह का मतलब होता है जाना, मकतब का मतलब होता है ऑफिस, सा तिसा का मतलब होता है 9 बजे, कल ऑफिस 9 बजे जाना है, बुकरा रो मकतब सा तिसा। तुम पेट्रोल बहुत बर्बाद करते हो, उसे आप अरबी में बोलिएगा इंत मर्रा खसारा बेंजीन, इंत मर्रा खसारा बेंजीन, तुम पेट्रोल बहुत बर्बाद करते हो। कल रात 12 बजे एयरपोर्ट पे जाना है, बुकरा बिल्लैल रो मतार सा इतनास, कल रात 12 बजे एयरपोर्ट पे जाना है। सो गाइज, मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और दोस्तों डायरेक्टली बिना वीडियो देखे आप अरबी सीख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और आप अरबी सीखिए। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारा तराजू ख़राब है, उसे आप अरबी में बोलिएगा इंत मीज़ान खरबान, इंत मीज़ान खरबान, तुम्हारा तराजू ख़राब है। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसे आप अरबी में बोलिएगा इंत मर्रा जमीला, इंत मर्रा जमीला, इंत मर्रा जमीला, इंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और जमीला का मतलब होता है खूबसूरत, तुम बहुत खूबसूरत हो, इंत मर्रा जमीला। तुम बहस बहुत करते हो, अगर आपका कपिल बोल रहा है इंत मर्रा सवी गिरगिर, इंत मर्रा सवी गिरगिर, इसका मतलब हुआ तुम बहस बहुत करते हो, तुम बहुत बोलते हो, इंत मर्रा सवी गिरगिर, तुम बहस बहुत करते हो। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे हाथों से बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके बाय, मा सलामा, मा सलामा का मतलब होता है बाय बाय।